सालबेहट नगर में हमेशा कहती हूँ, सालबेहट नगर में मैं बहू बनकर आई थी, लेकिन मैंने बेटी बनकर काम किया। मैं 15 साल मैंने अपनी पूरी लगन की, पूरे समर्पण के साथ काम किया। और मैं पूरी जनता से यही आज मेरी निवेदन है कि मैं मुक्ता सोनी, मेरा ये घर है, घर छोड़ के कोई बहू बेटी कहीं जाती नहीं है। मैं आखिरी सांस तक यहीं रहूँगी और मेरी समाज सेवा अनवरत आखिरी सांस तक यूँ ही चलती रहेगी। आखिरकार मुक्ता सोनी ने नामांकन वापस ले ही लिया है। रामरतन कुशवाहा लगातार बोल रहे थे कि मुक्ता सोनी पर्चा वापस लेंगी और मुक्ता सोनी ने निर्दलीय तौर पर जो आवेदन किया था वो पर्चा वापस ले लिया है। उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है, रामरतन कुशवाहा में आस्था जताई है, सांसद अनुराग शर्मा में आस्था जताई है और तालबेट के विकास को लेकर आगे भी काम करती रहेंगी। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही है। रो पड़ी हैं मुक्ता सोनी और जिस प्रकार से उन पर दबाव बनाया जा रहा था 2-3 दिनों से, वो स्पष्ट है कि किस प्रकार से लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी के नेता खुले तौर पर किसी के भी घर पर घुस जाएंगे और उसको डरा धमका कर मनाएंगे। रोती हुई मुक्ता सोनी यह बता रही हैं कि किस प्रकार से उन्हें दबा कर धमका कर नामांकन वापस लिया गया। 3 बार लगातार जीतने के बाद आखिरकार मुक्ता सोनी की कौन सी मजबूरी पड़ गई कि उन्हें नामांकन वापस लेना पड़ा, वो भी उस समय जिस सीट पर पहले वो जीत कर आई, वही सीट फिर से है और जनता के बीच में एक अच्छा माहौल बना हुआ था चुनावी। तालबेट में मुक्ता सोनी, उनके पति और कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है और भी कुछ लोगों ने नामांकन वापस लिया है, लेकिन ये 3 नाम जो हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, मुक्ता सोनी के पति और मुक्ता सोनी, ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासतौर से मुक्ता सोनी के साथ जो हुआ है वो इस समय ललितपुर की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम पर आप? जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।